देखिए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हम उठाए हुए हैं, ठीक है। इससे पहले हम बहुत क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाके जरूर देखिए, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए एक बार, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है उसका फॉर्मेशन देखिए, क्योंकि उससे एक लेवल अप है ये हमारा क्वेश्चन, ठीक। तो उसमें सिंपल था, MdX प्लस NdY का फॉर्मेशन था, तो हम इजिली बना ले रहे थे। अब क्या कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो हम कैसे बनाएंगे, MdX प्लस NdY का फॉर्मेशन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो पहले ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, देन फिर ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इजीली वाला हम बता चुके हैं, MdX प्लस NdY का फॉर्मेशन दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा दोनों अगर आपस में इक्वल हुआ इस फॉर्मेशन में रहेगा, तो m का वैल्यू n का वैल्यू दोनों का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसका वैल्यू अगर आपस में इक्वल हुआ तो एग्जैक्ट हो जाएगा। देन उसका क्या करते हैं, ब्रैकेट को बाहर करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन लेके आते हैं, ठीक। तो ये हम बता चुके हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आप बुक में दिया हुआ ना बहुत सारा क्वेश्चन, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम चार पांच क्वेश्चन बता चुके हैं। देन अब देखिए इस जो इस फॉर्मेट में रहेगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले ये जो हमारा दिया हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है कि x प्लस वाई और मल्टीप्लाई में है डी एक्स माइनस डी वाई। क्या ये जो मल्टीप्लाई में दोनों हैं तो कोई एक को इधर डिनोमेटर में नहीं भेज सकते क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई में? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई को हम यहाँ भेज सकते हैं, क्या हो जाएगा ये तो हमारा डी एक्स प्लस यहाँ पे डी वाई, और यहाँ पे देखिए x प्लस वाई हो जाएगा, इस फॉर्मेट में हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट में होता है ना, तो ये जो रिजल्ट देता है वो हमारा क्या देता है, डी लॉग और एक्स प्लस वाई का रिजल्ट देता है। कहीं आप यूज किए होंगे ये डी लॉग एक्स प्लस वाई का रिजल्ट देता है, ठीक है। यूज नहीं किए होंगे तो बगल में आप रिजल्ट लिखे कि ये हमारा इसका रिजल्ट देता है, ठीक है। तो देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल हमारा आ जाएगा, बहुत ईजी है क्वेश्चन सॉल्व करना, बस थोड़ा दिखने में थोड़ा सा लग रहा है टफ है, ठीक है, बाकी ईजी है, उससे ईजी ही है सॉल्व करना। बस ये फॉर्मेशन, ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए ना, रिजल्ट हमारा ये आ रहा है गिवेन, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन, द गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमारा क्या दिया हुआ है, इज एक्स प्लस वाई और डी एक्स माइनस डी वाई, दिस इज इक्वल टू डी एक्स प्लस यहाँ पे डी वाई, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ तो दैट इज हम लिख सकते हैं इसको क्या कि डी एक्स माइनस डी वाई दिस इज इक्वल टू डी एक्स प्लस वाई, जो है ना हम डिनोमिनेटर में भेज दे रहे हैं, तो डी एक्स प्लस यहाँ पे डी वाई और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, तो दैट इज करके लिखिए, तो देखिए हमारा डी एक्स है माइनस यहाँ पे डी वाई है, और ये हमारा हो जाएगा क्या, डी लॉग एक्स प्लस वाई हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है। नाउ अब ऑन इंटीग्रेटिंग, सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग ये एक्चुअली में क्या दिया हुआ है ना कि जैसे कि हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का जो फॉर्मेशन था, तो उस फॉर्मेशन से आगे जाके हमारा लगता है कि रिजल्ट ही डायरेक्ट दे दिया गया, ठीक है, इस फॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करके सिंपल इसका सॉल्यूशन निकालिए, ठीक। तो देखिए ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट हमें क्या मिलेगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dx का इंटीग्रेशन पता है ना, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, सिंपल x होता है, और dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल y हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू, और d जिसमें लगा हो मीन्स डिफ्रेंशिएशन वाला लगा हुआ होगा, तो वो क्या हो जाएगा, जो जिसमें लगा हुआ है वो सिंपल हमारा रिजल्ट हो जाता है, मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस वाई हो जाएगा। आप कॉन्स्टेंट टर्म लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन करें, तो कॉन्स्टेंट टर्म c लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लस c हो गया, तो वैसी विद अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, वैसी विद अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये देखिए टू बहुत इजीली सॉल्व हो गया, बट इसका जो हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए देखिए, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है किस तरीके से दिया हुआ है, एक्स डी वाई और डिवाइड सॉरी डी एक्स प्लस यहाँ पे वाई, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जा रहा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, है ना, प्लस नहीं है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन तो दैट इज हम लिख सकते हैं इसको एक्स डी वाई और यहाँ पे डी एक्स प्लस y, और ये हमारा एक्स वाई का स्क्वायर ले सकते क्या, एक्स वाई का ये हमारा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई में, तो एक्स वाई का ये हमारा होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। जब इसको तोड़ेंगे मीन्स क्या होगा कि ब्रैकेट से इसको बाहर करेंगे, सिंपल यही लिखाएगा हमारा, देन तो ये जो हमारा फॉर्मेशन एक्चुअली में क्या है, ओके डी एक्स यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एलसीएम ले सकते हैं ना, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे डी एक्स क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना यहाँ पे, तो ये हमारा दैट इज लिखिए एक्स डी वाई और यहाँ पे हम दे रहे हैं एलसीएम डी एक्स, ठीक है, तो डी एक्स हम एलसीएम लिए तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई डी एक्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स वाई का ये हमारा होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मेशन होता है, ये जो फॉर्मेशन होता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स और डिवाइड में यहाँ पे डी एक्स है, तो बट ये जो फॉर्मेशन है ये हम यूज किए हुए ना पहले एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स का फॉर्मेशन जो होता है डी एक्स वाई होता है ना फॉर्मेशन, तो इस फॉर्मेशन में ये हमारा कन्वर्ट हो गया, तो दैट इज लिखेंगे क्या ये डी ऑफ एक्स वाई हो गया और डिवाइड में ये हमारा डी एक्स रहेगा ही, उसको कुछ नहीं करना है डी एक्स, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई ये हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, देखिए डी ऑफ एक्स वाई है और यहाँ पे क्या है जाए एक्स वाई का ये हमारा होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, तो दैट इज क्या हो जाएगा ये हमारा वन बाई में आ जाएगा ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बाई में चला जाएगा, मीन्स एक्स वाई और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई का ये हमारा होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है हमारा डी ऑफ एक्स वाई एज इट इज रहेगा, और ये डी एक्स को हम उधर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा डी एक्स इधर चला जाएगा और एक्स वाई का होल स्क्वायर जो है ये हम हमारा डिनोमेटर में चला जाएगा, ये हमारा न्यूमिनेटर बन जाएगा, मीन्स हमारा डी एक्स इधर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिए और इसको यहाँ पे भेज दिए, बस अब कुछ भी नहीं किया, सिंपल यही है हमारा, ठीक है। नाउ अब देखिए अब क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए वन बाई और एक्स वाई का ये हमारा होल स्क्वायर है, तो वन बाई अगर हमारा एक्स हुआ, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर हुआ, तो इस चीज को हम किस तरीके से ले सकते हैं, बाई वाला टर्म हम हटाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस इसका पावर टू नहीं हो जाएगा क्या, और इसी टर्म को हम वन पॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों को एक जैसे दोनों आपस में इक्वल होता है, तो यहाँ पे देख रहे वन बाई में एक्स वाई का होल स्क्वायर है, मीन्स दैट इज बोल सकते हैं एक्स वाई का हमारा होल स्क्वायर मीन्स इसका पावर माइनस टू नहीं हो सकता, माइनस टू हो जाएगा, वन बाई वाला टर्म्स हमारा हट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये टर्म्स हमारा जो है डी ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू यहाँ पे डी एक्स, ये टर्म हमारा हो गया, ठीक है, जैसे है वैसे हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन इसका इजिली हो जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन इजिली हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई इसका इंटीग्रेशन होगा ना, बाकी यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन है तो वो तो इजी होगा, तो चलिए ऑन इंटीग्रेशन वी गेट हमें क्या मिलेगा, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन जो होगा हमारा, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन आता है ना जैसे कि हमारा x का माइनस टू अगर हो, ठीक है, x का पावर माइनस टू हो, यहाँ पे एक्स वाई का पावर माइनस टू है, सिंपल हम x का दिखा रहे हैं, ठीक है, अगर इस तरीके से हो तो इंटीग्रेशन में क्या होता है x होता है माइनस टू और इंटीग्रेशन में पावर में क्या होता है प्लस वन होता है, प्लस वन और सेम क्या होता है जो हमारा यहाँ पे पावर होता है सेम वही हमारा यहाँ पे डिनोमेटर में भी होता है, तो माइनस वन और प्लस वन क्या हो जा रहा है हमारा माइनस वन बच रहा है, x का पावर माइनस वन और यहाँ पे भी माइनस वन बच रहा है, मीन्स क्या हो जा रहा है ये हमारा टर्म माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स का पावर माइनस वन इस तरीके से हो जाएगा ना, और माइनस एक्स का पावर माइनस वन बोल सकते हैं कि माइनस तो रहेगा, और ये जो टर्म्स है सिंपल ये टर्म्स जो इतना जो टर्म्स है उसको वन बाई में एक्स लिख सकते हैं ना, तो माइनस वन बाई एक्स रिजल्ट हमारा क्या होगा माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा, तो माइनस वन बाई एक्स होगा तो सिंपल इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस वन बाई में एक्स वाई हो जाएगा, होगा ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए
एंड देन एक्चुअली में क्या है कि ये एक साथ पूरा कम्प्लीटली इंटीग्रेशन है ना, एक साथ कम्प्लीटली इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं अच्छे से, कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन एक्स वाई, ठीक है, माइनस टू और यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि वो हम बताएं वो सिंपल एक जैसे कि सिंपल हमारा क्या हुआ कि एक्स माइनस टू और यहाँ पे डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था, एक्स था तो हमारा डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, माइनस वन अपॉन एक्स आ रहा था, ये हमारा रिजल्ट आ रहा था ना। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या है कि एक्स वाई है और डी ऑफ एक्स वाई के ही रिस्पेक्ट में हमारा हो रहा है, मीन्स बोल सकते हैं सिंपल जो हमारा रिजल्ट आएगा ना, देखिए जैसे कि हमारा यहाँ एक्स था तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो, एक्स वाई रहेगा तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में होगा, तो मीन सिंपल रिजल्ट जो हमारा आएगा माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, रिजल्ट हमारा वही आएगा, ठीक है। तो डी ऑफ एक्स वाई के ही रिस्पेक्ट में यहाँ पे हो रहा है और एक्स वाई हमारा क्या है, ये वेरिएबल टर्म्स है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे एक्स था तो उसका वेरिएबल टर्म एक्स था तो एक्स के ही रिस्पेक्ट में हमारा हो रहा था, इसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है क्या, एक्स वाई वाला टर्म्स है और एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मीन्स फाइनल जो रिजल्ट हमारा आएगा सिंपल क्या आएगा, और सॉरी यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस वन अपॉन एक्स वाई होगा ये रिजल्ट, और दिस इज इक्वल टू इसका जो रिजल्ट होगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन पता है ना क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है और कॉन्स्टेंट टर्म हम सी लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है, वैसे भी तो कॉन्स्टेंट टर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ही थोड़ा सा लॉजिक था, लॉजिक क्या था, लोगों समझ में आ गया होगा कितना ईजी था, ठीक है, लॉजिक नहीं बहुत ईजीली समझ में आया होगा किस तरीके से हुआ यहाँ पे, ठीक है। विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर नहीं किसी को समझ में आया तो हम फिर से एक बार और बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या, जैसे कि इंटीग्रेशन हम एक्स स्क्वायर का करते हैं तो एक्स का पावर माइनस टू इंटू यहाँ पे डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन इसी तरीके से किया जाता है ना, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं तो एक्स का माइनस, और देखिए यहाँ पे पावर में जो है माइनस टू और प्लस वन होता है पावर में, यहाँ पे माइनस टू प्लस वन, तो दिस इज रिजल्ट क्या दे रहा है हमारा, एक्स का पावर माइनस वन, यहाँ पे भी माइनस वन, मीन्स क्या हो गया, माइनस वन जो है डिनोमिनेटर में तो हमारा न्यूमिनेटर में चला जाता है, माइनस हो जाता है और एक्स का पावर माइनस वन हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू इसी को लिख सकते हैं माइनस, और एक्स का पावर माइनस वन को लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स, तो ये हमारा रिजल्ट दे रहा है। अब यही जो हमारा क्या है इंटीग्रेशन में देखिए अब क्या हो गया, डी एक्स वाई हो गया ना, एक्स वाई हो गया इसका पावर माइनस टू और यहाँ पे डी ऑफ किसके साथ, एक्स वाई के ही साथ है, जैसे हमारा एक्स था तो एक्स के साथ था डी एक्स, अब यहाँ पे एक्स वाई है तो डी एक्स वाई है, तो सिंपल इसका रिजल्ट तो हम इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन एक्स वाई, देखिए जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बोले ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी इजी था, ठीक है, क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो गया इसको, ठीक, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 के लिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको क्लास करना है सेमेस्टर 3 का तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक, चलिए टाटा बाय बाय।